नमस्कार बच्चों, आज पढ़ने वाले हम लोग गणित परिचय 4 क्लास का एक्सरसाइज 21। ठीक ना, एक्सरसाइज हम लोग 21 में पढ़े थे 4 नंबर तक का सवाल। ठीक ना, आज पढ़ेंगे 5 नंबर से। ठीक, 5 नंबर में सवाल में लिखा हुआ है, ये देखिए गणित मेरे हाथ में, इसी से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक ना, 5 नंबर में लिखा हुआ, क्या 12 5 का गुणज है? गुणज का मतलब होता है कि 5 का पहाड़ा में 12 मिलता है, 5 का 5 5 10 5 5 में हमको तो नहीं मिलता है 5 का, तो लिखिएगा क्या नहीं। ठीक, अब फिर देखिए ख नंबर में लिखा हुआ है, 5 का ख नंबर में, क्या 24 8 का गुणज है? इसका मतलब क्या है, 8 का 8 में 24 मिलता है, तो ख नंबर नहीं, तो ख नंबर क्या हो जाएगा, हाँ मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ग नंबर में लिखा हुआ, क्या 42 7 का गुणज है? इसका मतलब क्या है, 7 का 7 में 42 मिलता है क्या? हाँ मिलता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग ग नंबर में, हाँ। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए घ नंबर में क्या लिखा हुआ, क्या 32 9 का गुणज है? इसका मतलब क्या होता है, 9 का 9 में 32 मिलता है क्या? 9 का 12 पढ़िए तो नहीं मिलता है, तो घ नंबर का क्या हो गया आंसर, नहीं। ठीक ना, अब आइए इसमें अब आइए छठा नंबर में, इसको पहले क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं। ठीक ना, ठीक, छह नंबर में लिखा हुआ है, क में 2 और 3 के प्रथम 3 समापवर्तीय लिखे, 2 और 3 के प्रथम क्या लिखे, समापवर्तीय। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणज लिखेंगे, फिर 3 का गुणज लिखेंगे। समापवर्तीय का मतलब क्या है, जो अपवर्तीय दोनों में कॉमन हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले। ठीक ना, जैसे 2 का 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 सॉरी 2 9 18 2 20 इधर 22 भी जाएगा, जाते रहेगा। ठीक, हमको लेना कितना है, 3 को। ठीक ना, आ ये 3 का 3 में 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 4 6 यहाँ भी 6 है, यहाँ भी क्या है, 6 है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी क्या है, 12 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी क्या है, 18 है। दोनों का समापवर्तीय लिखिएगा, 2 और 3 का समापवर्तीय कितना मिला, 6 12 और 18 ये लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए क नंबर का हल हो चुका है, अब आते हैं ख नंबर सवाल में। ठीक ना, ख नंबर में भी लिखा है 3 और 4 के प्रथम 2 समापवर्ती लिखें, 3 और 4 के प्रथम 2 समापवर्ती लिखें। ठीक ना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3 का गुणज लिखेंगे, फिर 4 का गुणज लिखेंगे, जिस तरह से इस सवाल को हल के उसी टाइप से इसको भी हल करेंगे। ठीक ना, लिखेंगे 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 डॉट ये भी जाते रहेगा, इसका अंत नहीं है। फिर चरकाचर में आइए, चरकाचर 4 2 8 4 3 12 4 4 16 5 5 20 4 6 24 4 7 28 हमको लेना कितना है, 2 को, तो क्या करेंगे, देखिए 3 6 9 12 यहाँ भी 12 मिलता है, इसमें भी क्या मिलता है, 12 मिलता है। अब देखिए 15 18 21 24 यहाँ भी 24 मिलता है, यहाँ भी क्या मिलता है,
लेना है हमको दो, और आगे मिलना खोजिएगा तो मिलती जाएगा, मिलती जाएगा, इधर बढ़ाते जाएगा। हमको लेना कितना है, दो गो, तो इसलिए हमको क्या करना है, दो गो मिला है। लिखिएगा तीन और, तीन और चार का समाप वर्त कितना निकला, 12 और 24, ठीक ना। और ये मिलते भी जाएगा, यहाँ भी डॉट दे सकते हैं, क्योंकि और मिलेगा इसमें, ठीक ना। आंसर हुआ लोगों का 12 और 24 ही, इसमें 6, 12 और 18 आंसर हुआ इसका, ठीक। अब आते हैं गो नंबर सवाल में, ठीक। गो नंबर सवाल में लिखा हुआ है 2 और 5 के प्रथम दो समावर्त लिखें, ठीक ना। तो वही करेंगे, 2 और 5 के प्रथम दो समापवर्ती लिखें, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग फिर क्या करेंगे, 2 का पारा लिखेंगे, फिर 5 का पारा में लिखेंगे, 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 4 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 16 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, इधर 22 भी आ सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब आते हैं 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 25, 5 25, 5 6 लेना कितना हमको समावर्त दोनों में से। यहाँ देखिए 10 इसमें भी मिलता है, 10 इसमें भी मिलता है, यहाँ 20 इसमें भी मिलता है, 20 इसमें भी मिलता है। क्या लिखिएगा, 2 और 5 का समाप वर्तीय बराबर 10 और क्या होगा, 20 इधर और मिलेगा, पर हमको लेना कितना है, 2 को, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 10 और 20, ठीक ना।